नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube परिवार क्रिप्टो 200% अर्निंग चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं ADA, सैंड, इंजन, FTM कॉइन के TA को लेकर कि अगर बिटकॉइन $40,000 के आसपास या बिटकॉइन इससे नीचे अपना सपोर्ट बनाता है और वहां से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, तो इन चारों टॉप अल्टकॉइन की प्राइस के अंदर कितना अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, इसको लेकर आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या आपको इन चारों टॉप अल्टकॉइन को सेल करना चाहिए या इन्हें होल्ड रखना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने यह पाया है कि जब जब बिटकॉइन ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, तब तब कुछ कुछ ऐसे अल्टकॉइन है जिन्होंने बहुत जल्दी यहां पर ऑल टाइम हाई बनाया है, जिनमें चार अल्टकॉइन मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं और कुछ एक अल्टकॉइन्स आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मेरा सीधा सा कहने का मतलब यही है कि अगर आपने इन चारों टॉप अल्टकॉइन के अंदर बहुत ऊपर एंट्री बना रखी है तो अभी आपको इनको होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर 2022 में बिटकॉइन अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है तो फ्रेंड्स ऐसे में इन चारों के अंदर आपको एक बहुत बड़ा ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, जिसमें सबसे ऊपर मैं रखूंगा ADA कॉइन को। देखिए यहां पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर करेक्शन को लेकर बात करें तो फ्रेंड्स अगर आज की तारीख को मैं इंक्लूड करता हूं तो लगभग आज से 100 डेज हो चुके हैं बिटकॉइन की प्राइस के अंदर करेक्शन को चलते हुए, और फ्रेंड्स आगे भी थोड़े दिनों के लिए यह करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या बिटकॉइन ने जो 2021 में टॉप बनाया, क्या वही बिटकॉइन का टॉप है? नहीं मेरे भाई, वो बिटकॉइन का टॉप नहीं है। यहां से बिटकॉइन को बहुत ऊपर जाना है, जो आपने नहीं सोचा, जो मैंने नहीं सोचा। फ्रेंड्स यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए आपको बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक डंप देखने को मिल सकता है, जितने टॉप अल्टकॉइन है उनके अंदर आपको डंप देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपको घबराने की आवश्यकता है या आपको पैनिक में आने की आवश्यकता है? नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं है। आप शॉर्ट टर्म में ये जो चीजें हो रही है इनका सामना करिए, मजबूती के साथ में खड़ी रहिए, और मेरा हमेशा एक ही मकसद है कि मैं आपको यहां पर स्ट्रांग बनाऊं और आपको सारी चीजें बताऊं कि क्रिप्टो मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो मेरे भाई, यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए जो कुछ हो रहा है उससे आप यहां पर थोड़े समय के लिए पैनिक में आ सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपको यहां पर बहुत बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहां पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर इन चारों टॉप अल्टकॉइन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, अब इसको लेकर बात करते हैं और सीधा लेकर चलता हूं आपको स्क्रीन पर और वहां से इनके बारे में एक एक करके बताना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अपन सबसे पहले बात करेंगे सैंडबॉक्स की। देखिए यहां पर अगर इसके फंडामेंटल्स को लेकर बात करें तो 17 मार्च 2022 को सैंडबॉक्स का एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सैंडबॉक्स की प्राइस के अंदर आपको एक पंप 17 मार्च से पहले देखने को मिल सकता है या उससे एक दो दिन बाद में भी देखने को मिल सकता है। और यहां पर अगर बात करें कि यह कैसा अल्ट कॉइन है, तो देखिए यहां पर आप सभी को पता है अभी चल रहा है मेटावर्स का एक ट्रेंड, और फ्रेंड्स मेटावर्स में यह सेकंड पोजीशन पर आता है। फ्रेंड्स यहां पर आगे आने वाले समय में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मेटावर्स के अंदर आना चाहेगी, क्योंकि यहां पर मेटावर्स का एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है। अभी तो कुछ भी बूम नहीं आया और फ्रेंड्स सैंडबॉक्स का मेटावर्स के साथ नाम जुड़ा। फ्रेंड्स यहां पर सैंडबॉक्स के अंदर एक जबरदस्त रैली अपने को 2-3 दिनों के अंदर ही देखने को मिली थी, आप सभी को इस बात का पता है। फिर उसके बाद में अगर बात करें तो इस तरह से इसके प्राइस के अंदर डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर यहां पर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखते हैं और अगर 2022 में बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाता है, और इसकी संभावना पूरी है, डेफिनेट यहां पर बिटकॉइन 2022 में अपना एक ऑल टाइम हाई बनाएगा मेरे अकॉर्डिंग, अगर बनाता है तो फ्रेंड्स सैंडबॉक्स का ये जो आप ऑल टाइम हाई देख रहे हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत ऊपर अपना ऑल टाइम हाई सैंडबॉक्स बना सकता है। देखिए फ्रेंड्स यहां पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस लेवल से अगर इस लेवल तक कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट टाइम पर, तो सैंडबॉक्स के
की प्राइस के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल रहा है 58.92% का। यानी कि यहां पर सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सैंडबॉक्स को होल्ड रखना चाहते हैं तो यहां पर इसी लेवल पर एक बहुत बढ़िया एंट्री बनती है आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा करेक्शन है, कभी भी बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिल सकता है और ऐसी स्थिति में सैंडबॉक्स के अंदर भी इसी लेवल से एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। अब देखिएगा यहां पर मुझे वन डे के टाइम फ्रेम पर जो चीजें देखने को मिल रही है वो मैं आपको बता देता हूं। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से सैंडबॉक्स की प्राइस इस तरह से एक चैनल के अंदर मूव कर रही है और इस चैनल का नाम है डिसेंडिंग चैनल, या फिर आप इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्राइस चैनल चार्ट पैटर्न। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बता दूं प्राइस चैनल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बुलिश, एक होता है बियरिश। अभी प्रेजेंट टाइम पर वन डे के टाइम फ्रेम पर यहां पर जो चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है वो बुलिश प्राइस चैनल चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स, बुलिश प्राइस चैनल चार्ट पैटर्न बने इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक शार्प अप ट्रेंड होना चाहिए। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहां पर शार्प अप ट्रेंड देखने को मिला, फिर उसके बाद में कुछ दिनों तक उस कॉइन की प्राइस इस तरह से एक चैनल के अंदर मूव करते हुए देखने को मिलनी चाहिए, जो सेम ऐसा हो रहा है आप यहां पर देख सकते हैं। अभी फ्रेंड्स, यहां पर वन डे के टाइम फ्रेम पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट सैंडबॉक्स को मिलने वाला है 200 MA के आसपास, और एग्जैक्ट इस लेवल के आसपास ये व्हाइट कलर की जो आप लाइन देख रहे हैं इसके आसपास सपोर्ट मिलने वाला है। ये लेवल है $2.91086 के आसपास। तो फ्रेंड्स, अगर सैंडबॉक्स की प्राइस के अंदर करेक्शन आता है तो इसी लाइन के आसपास सैंडबॉक्स अपना सपोर्ट बना सकता है, इसी 200 MA के आसपास, और इस तरह से प्राइस आपको वापस से ऊपर देखने को मिल सकती है। और अगर बात करूं एक छोटे से लोकल सपोर्ट की तो फ्रेंड्स वो यहां कहीं मिलने वाला है और ये लेवल है $3.24 के आसपास का। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर बिटकॉइन $40,000 से अपने को वापस से $48,000 के आसपास देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स आपको सैंडबॉक्स की प्राइस इस लेवल और इस लेवल तक बहुत आसानी से देखने को मिल सकती है। ये नीचे का लेवल है 4.81 के आसपास का और फ्रेंड्स ये ऊपर का लेवल है 5.36 के आसपास का। फ्रेंड्स, अगर इसका ब्रेकआउट होता है इस तरह से तो प्राइस आपको और भी ऊपर देखने को मिल सकती है, लेकिन वो सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उसके साथ में अगर अपन बात करें नवंबर 2021 से तो फ्रेंड्स यहां पर RSI को अगर देखेंगे तो नवंबर 2021 से पहले RSI यहां पर सपोर्ट लेकर 50 के आसपास सपोर्ट लेकर इस तरह से ऊपर ही देखने को मिल रही है, आप यहां पर देख सकते हैं। फिर यहां पर सपोर्ट लिया था 50 के आसपास और फिर इस तरह से इसकी वैल्यू ऊपर ही देखने को मिली। फ्रेंड्स, अगर बात करें तो यहां से RSI की वैल्यू इस तरह से अपने को नीचे देखने को मिलती 50 से नीचे। और फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया कि 0 से 50 का जो जोन है RSI के लिए वो बियरिश जोन होता है, यानी जब जब वन डे के टाइम फ्रेम पर RSI की वैल्यू इस जोन के अंदर देखने को मिलती है तो पर्टिकुलर उस कॉइन के अंदर डंप देखने को मिलता है। प्रेजेंट टाइम पर जो RSI की वैल्यू है वो 30 से 50 के जोन के अंदर मूव कर रही है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको यहां पर RSI के अकॉर्डिंग एक और डंप देखने को मिले सैंडबॉक्स के अंदर, लेकिन आप इस ट्रेंड लाइन का और इस ट्रेंड लाइन का विशेषकर ध्यान रखें, इन्हीं दो ट्रेंड लाइन के आसपास और इसी 200 मूविंग एवरेज के आसपास एक बहुत बड़ा सपोर्ट सैंडबॉक्स को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं सैंडबॉक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन इंजन कॉइन को लेकर। तो देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इंजन कॉइन के फंडामेंटल्स को लेकर बात करें तो सबसे पहली बात, क्रिप्टो मार्केट में इसकी रैंक चल रही है 64 के आसपास, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेटावर्स के जितने भी टॉप अल्ट कॉइन है उनके अंदर 5th रैंक पर आता है इंजन कॉइन। तो फ्रेंड्स, यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेटावर्स का एक ट्रेंड बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ता है, वैसे इंजन कॉइन आपको बहुत जल्दी फ्रेंड्स यहां पर 10 से लेकर $15 के बीच में देखने को मिल सकता है। मेरे इन शब्दों को आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत बड़ी रिसर्च के बाद में ये सारी बताई जा रही है। अभी देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है इंजन कॉइन के अंदर। इस तरह से एक लेफ्ट शोल्डर बना, फिर इस तरह से हेड बना और एग्जैक्ट यहां पर 200 MA से ही यहां पर रिजेक्शन मिला इंजन कॉइन को और यहां से इस तरह से प्राइस नीचे देखने को मिली और फिर इस तरह से एक राइट शोल्डर बना और इस तरह से प्राइस इसी यहां पर इसी जोन के आसपास चल रही है। फ्रेंड्स, ये जो जोन आप देख रहे हैं लोकल सपोर्ट जोन के रूप में काम कर रहा है इंजन कॉइन के लिए। आप देखेंगे तो यहां से प्राइस ऊपर देखने को मिली, आप देखेंगे तो यहां से प्राइस ऊपर देखने को मिली और यहां से भी प्राइस ऊपर देखने को मिली। प्रेजेंट टाइम पर इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट बना रहा है इंजन कॉइन, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यह हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और यह पैटर्न फ्रेंड्स यहां पर बियरिश होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए उस कॉइन में आपको डंप देखने को मिल सकता है, ऐसा यह पैटर्न कहता है। अब देखिए, अगर डंप आता है तो यहां पर फ्रेंड्स इस जगह अपना सपोर्ट बना सकता है इंजन कॉइन। यह लेवल है 1.60 के आसपास। अगर इस जोन को होल्ड नहीं कर पाता है, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार यहां पर होल्ड किया है, अब यहां पर अगर होल्ड नहीं कर पाता है तो फ्रेंड्स आपको प्राइस इस लेवल तक देखने को मिल सकती है। यह लेवल है 1.5233 के आसपास का और फ्रेंड्स आपको प्राइस इस लेवल तक भी देखने को मिल सकती है। ये लेवल है $1.45 के आसपास का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लेवल बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में काम करेगा यहां पर इंजन कॉइन के लिए। और फ्रेंड्स, अगर बात करूं इस लेवल की तो ये जो आप लेवल देख रहे हैं कौन सा, ये देखा, ये लेवल 1.31 के आसपास, यह एक बहुत बड़े मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर फ्रेंड्स इन लेवल्स के आसपास आपको इंजन कॉइन की प्राइस देखने को मिले तो यहां से आप लॉन्ग कर सकते हैं, यहां पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट बैठा हुआ है इंजन कॉइन के लिए। और अगर बात करें RSI को लेकर 4 आवर
आवर के टाइम फ्रेम पर, तो फ्रेंड्स यहां पर मुझे ओवरसोल्ड पोजीशन में नजर आ रहा है आरएसआई। और फ्रेंड्स देखिएगा आरएसआई जब पहले यहां पर देखने को मिला था इसी लेवल के आसपास, तो यहां से आरएसआई की वैल्यू ऊपर देखने को मिली थी, और यहां से इंजन कोन की प्राइस के अंदर एक पंप देखने को मिला था, यहां से आरएसआई की वैल्यू ऊपर देखने को मिली, यहां से इंजन कोन की प्राइस ऊपर देखने को मिली। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम पर इसी जोन के आसपास, इसी लेवल के आसपास आरएसआई अपना सपोर्ट बना रहा है, तो इसका भी आप विशेषकर ध्यान रखें। और अगर बात करें इसके ऑल टाइम हाई से प्राइस बहुत नीचे आ चुकी है, तो यहां पर एक एंट्री तो बनती है लॉन्ग टर्म के लिए, और फ्रेंड्स और करेक्शन आता है तो सेकंड एंट्री आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट अपने कॉइन को लेकर जिसका नाम है एडीए। तो देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स अगर एडीए कार्डानो के फंडामेंटल्स को लेकर बात करें तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्रिप्टो मार्केट में इतने सारे टोकन्स हैं, इतने सारे कॉइन्स हैं, लेकिन उनमें यहां पर अगर बात करें तो सेवंथ रैंक पर आता है क्रिप्टो मार्केट में एडीए कार्डानो। एक सबसे बड़ी बात यही है, और यहां पर फ्रेंड्स जो रैंक डिसाइड होती है वो यहां पर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। और फ्रेंड्स अगर एडीए की बात करें तो बहुत ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग अल्ट कॉइन है। अगर फ्रेंड्स इसके टॉप से लेकर प्रेजेंट टाइम पर बात करें तो इसकी प्राइस नीचे आ चुकी है 68.20%, जिसका सीधा सीधा संकेत यह मिलता है कि यहां पर एक बाइंग तो बनती है लॉन्ग टर्म के लिए एडीए में। क्योंकि फ्रेंड्स आप आज जहां एडीए को देख रहे हैं वहां आप फिर कभी एडीए को नहीं देख पाएंगे अगर बिटकॉइन ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई 2022 के अंदर बना दिया तो। देखिए यहां पर अगर आप अभी देखते हैं तो वन डे के टाइम फ्रेम पर एडीए कार्डानो की प्राइस एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास ही चल रही है। और फ्रेंड्स वो सपोर्ट जोन है ये वाला, फ्रेंड्स ये जो आप जोन देख रहे हैं ये डिमांड जोन के रूप में काम कर रहा है एडीए के लिए, और पिछले कई दिनों से काम कर रहा है। अगर मार्च 2021 से बात करें तो अब तक इस जोन ने यहां पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिखाया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मार्च 2021 के बाद में एडीए ने इस जोन के आसपास कितनी बार सपोर्ट दिया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, और फाइनली इसी जोन से इसने अपना नया ऑल टाइम हाई भी बनाया था। यहां पर देखिएगा एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट लिया, फ्रेंड्स कुल मिलाकर यहां पर 7-8 बार एडीए ने अपना सपोर्ट बनाया। और प्रेजेंट टाइम पर सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी एडीए के अंदर यही है कि एडी की प्राइस इस इंपॉर्टेंट जोन के आसपास आ चुकी है जहां पहले चल रही थी, यानी मार्च 2021 के आसपास चल रही थी। आप यहां पर देख सकते हैं मार्च 2021 के आसपास प्राइस यहां चल रही थी और वहीं प्राइस वापस से आ चुकी है। तो फ्रेंड्स इसने आपको एक मौका दिया है इसे पकड़ने का। अगर आप पकड़ना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एडीए के अंदर यहां पर 10 गुना प्रॉफिट बुक करना चाहता हूं, तो फ्रेंड्स आप डेफिनेटली इसे पकड़ सकते हैं। और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि 2022 के अंदर अगर बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाता है तो एडीए 10 से लेकर $15 के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स यहां पर ये है बाइंग जोन, ये बेस्ट सपोर्ट है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहां पर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखने की। और फ्रेंड्स यहां पर अगर आपको इस लेवल के आसपास एडीए के प्राइस देखने को मिले, ये लेवल है 0.81053 के आसपास, तो यहां से आप एडीए के अंदर लॉन्ग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और फ्रेंड्स यहां पर भी सपोर्ट मिलने वाला है एडीए को, ये लेवल है $1 के आसपास। अब देखिए यहां पर जो एडीए की प्राइस है पिछले कुछ दिनों से इस तरह से एक प्राइस चैनल के अंदर चल रही है, जिस तरह से सैंड की प्राइस चल रही थी ठीक वैसे ही। अब अगर एडीए इसको ब्रेकआउट करता है तो फ्रेंड्स आपको एडीए की प्राइस इस लेवल और इस लेवल तक देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर नीचे का लेवल है 1.29 के आसपास का, ये लेवल है 1.50 के आसपास का, ये लेवल है 1.73 के आसपास का। तो फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर बात करें आरएसआई को लेकर तो फ्रेंड्स आरएसआई ने 36.21 के आसपास एक बार नहीं कई बार सपोर्ट लिया है, और इस तरह से आरएसआई की वैल्यू ऊपर देखने को मिली है। और जब जब आरएसआई की वैल्यू 36.21 के आसपास सपोर्ट लेकर ऊपर देखने को मिली है, तब तब यहां पर एडीए के अंदर एक पंप देखने को मिला है। आप यहां पर देख सकते हैं पंप देखने को मिला, आप यहां पर देख सकते हैं इतना बड़ा एक रैली देखने को मिली, आप यहां पर भी देख सकते हैं 36 के आसपास यहां पर सपोर्ट बनाया। प्रेजेंट टाइम पर आरएसआई यहां कहीं सपोर्ट बना रहा है, अगर 36 के आसपास देखने को मिलता है आरएसआई तो यहां से आरएसआई वापस ऊपर देखने को मिल सकता है, और उसके अकॉर्डिंग अपने को यहां पर इसका भी ब्रेकआउट होते हुए नजर आ सकता है। तो फ्रेंड्स आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन लास्ट कॉइन को लेकर जिसका नाम है एफटीएम। तो देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स फैंटम के फंडामेंटल्स को लेकर बात करें तो क्रिप्टो मार्केट में इसकी रैंक आती है 32 के आसपास। और फ्रेंड्स यह एक बहुत बड़ी बात है कि फैंटम ने भी अपनी जगह क्रिप्टो मार्केट में बना रखी है। फंडामेंटली अगर बात करूं तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग अल्ट कॉइन है। अगर आपने इसको ऑल टाइम हाई पर भी खरीद रखा है ना, तो भी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यह भी एक बहुत अच्छी खासी रैली दिखा सकता है। बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक रिकवरी देखने को मिलती है तो ऐसी स्थिति में। और अगर बात करें इसके टीए को लेकर तो देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मुझे यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। देखिए इस तरह से एक सडनली डंप देखने को मिला एफटीएम में, और यहां पर सपोर्ट लिया एक बार यहां पर, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहां पर एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहां पर सपोर्ट लिया, और फिर यहां पर सपोर्ट लिया, और प्रेजेंट टाइम पर भी यहां पर सपोर्ट ले रहा है। देखिए यहां पर सपोर्ट लेकर प्राइस इस तरह से ऊपर देखने को मिली, यहां पर सपोर्ट लेकर प्राइस इस तरह से ऊपर देखने को मिली, और यहां पर सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर देखने को मिली, यहां
से ऊपर देखने को मिली, यहां से ऊपर देखने को मिली। अभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि जहां सपोर्ट लेना चाहिए था एफटीएम को, वहीं प्राइस चल रही है, उसी जोन के अंदर प्राइस चल रही है, जिसके अंदर नीचे का लेवल है 1.81 के आसपास का और ऊपर का लेवल है 1.92 के आसपास का। और उसी के साथ में फ्रेंड्स, यहां पर ये जो आप चैनल देख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफटीएम फैंटम के लिए, जहां पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है इस इंपॉर्टेंट व्हाइट कलर की ट्रेंड लाइन के आसपास। देखिए यहां से प्राइस नीचे देखने को मिली, यहां से प्राइस नीचे देखने को मिली। अब अगर यहां पर सपोर्ट बनाता है एफटीएम इस तरह से, तो फ्रेंड्स आपको प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के आसपास देखने को मिल सकती है, और ये लेवल है 2.30 के आसपास का। यहां से इसको एक रिजेक्शन मिल सकता है, आप इसका विशेष कर ध्यान रखें। और अगर इसका ब्रेकआउट करता है इस तरह से, तो फ्रेंड्स आपको प्राइस इस लेवल और इस लेवल तक भी देखने को मिल सकती है। ये लेवल है 2.63 के आसपास का, ये लेवल है 2.85 के आसपास का। मैं आपको बता दूं कि यहां पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर एडीए को जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिल रहा है वो 200 MA के आसपास मिल रहा है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसका विशेष कर ध्यान रखिए, और एफटीएम के बारे में अलग से एक वीडियो के अंदर बता दूंगा। वैसे ऑलरेडी मैंने आपको एफटीएम के बारे में बहुत डिटेल से एक वीडियो के अंदर बता रखा है, लेकिन फ्रेंड्स आप इस लेवल का भी ध्यान रखिए। इस लेवल तक अगर आपको अचानक से प्राइस देखने को मिले, तो यहां से आप लॉन्ग कर सकते हैं। ये लेवल है 1.55722 के आसपास का, यहां तक प्राइस तरह से देखने को मिल सकती है, अगर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर करेक्शन आता है तो ही। और यहां से आप लॉन्ग कर सकते हैं, यहां पर जाकर आप सेल कर सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन के आसपास। और यहां पर अगर सपोर्ट बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आप ध्यान रखें, यहां से आप लॉन्ग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन चारों टॉप आल्टकॉइन के बारे में सारी बातें पता चल चुकी होगी, और आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। प्लीज फ्रेंड्स, आपको मैंने अभी तक वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि आपको लाइक करने के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको जो बातें बताई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और नए यूट्यूब चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको अब यहां पर कौन से अल्टकॉइन के बारे में जानना है। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।